तो क्या आपके कॉलेज में भी कंपनीज नहीं आती हैं इंटर्नशिप के लिए? आपने काफी बार ऑफ कैंपस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया लेकिन आप सेलेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन 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 इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट होने वाले हो। ये वीडियो आप सबके लिए होने वाली है बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बेस्ट वे टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप ऑन लिंक्डइन। आप लिंक्डइन पे जब अप्लाई करने जाते हो इंटर्नशिप के लिए, तो सबसे बेस्ट वे, सबसे बेस्ट मेथड क्या हो सकता है इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने का, सो डैट आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाए। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है और हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी मनपसंद पेड इंटर्नशिप पा सकते हो बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। सो प्लीज मेक श्योर टू वॉच कंप्लीट वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप वन इज डाउनलोड लिंक्डइन ऐप। अब आप लिंक्डइन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में या फिर आप वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपको वेबसाइट के ही थ्रू सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड वेबसाइट्स एंड ऐप दोनों ही सेम है, तो आप जो भी यूज़ करना चाहो वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपने लिंक्डइन ऐप को डाउनलोड कर लिया है, तो उसके बाद आपको अपनी जो प्रोफाइल है लिंक्डइन की उसे सेटअप करना होगा। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करने वाले हैं बिकॉज एक बिगनर के लिए लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे सेटअप होती है उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और उसमें हम अच्छे से बात करेंगे और पूरा एक प्रोफाइल को सेटअप करके दिखाएंगे कि कैसे आप एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल सेटअप कर सकते हो। तो अभी हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, अभी हम बस इतना देखने वाले हैं कि आप इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, बेस्ट वे, बेस्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं। ओके, तो अभी हम ये मान कर के चल रहे हैं कि आपके पास अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल सेटअप है, तो आपको स्टेप टू में क्या करना है, आपको जॉब्स नाम का एक सेक्शन दिखेगा, आपको उस सेक्शन पे जाना है और आपको सर्च बार में जाकर सर्च करना है इंटर्नशिप। तो यहाँ पे आपको इंटर्नशिप सर्च करना है और इंटर्नशिप सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक जो मिस्टेक्स बिगनर्स करते हैं सबसे बड़ी स्टार्टिंग में ही, वो ये है कि वो जॉब टाइप के अंदर इंटर्नशिप को अप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं जॉब टाइप के अंदर इंटर्नशिप को अप्लाई करूँगा तो मेरे पास सिर्फ 375 ही रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं सर्च बार में जाके इंटर्नशिप सर्च करता हूँ तो मेरे पास 9000 से भी ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा गैप है नंबर्स के बीच में। तो आप जब भी इंटर्नशिप के लिए या जॉब के लिए अप्लाई करने जाओ तो आपको जॉब टाइप के अंदर नहीं डालना है कि आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। एंड ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी रिक्रूटर्स होते हैं वो काफ़ी बार जॉब टाइप को एज ए इंटर्नशिप नहीं डालते हैं, वो डायरेक्ट ही इसे डाल देते हैं। तो इसलिए आप जब भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने जाओ तो आपको जॉब टाइप को एज ए इंटर्नशिप सेलेक्ट नहीं करना है। सो दिस इज स्टेप टू। एंड साथ में आपको यहाँ पे जो लोकेशन है वो भी आपको इंडिया डालनी है। अब इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है स्टेप थर्ड, उसके अंदर आपको यहाँ पे जो डेट पोस्टेड लिखा हुआ है ना, आपको यहाँ पे या तो पास्ट 24 आवर्स चूज़ करना है या फिर आपको पास्ट वीक चूज़ करना है। बिकॉज अगर इंटर्नशिप ज़्यादा ओल्ड हुई तो मोस्टली चांसेस होंगे कि वहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग अप्लाई कर चुके होंगे और मे बी वो एप्लीकेशन क्लोज भी हो गई हो। तो इसलिए आपको लेटेस्ट 24 आवर्स या फिर पास्ट वीक में जो भी इंटर्नशिप की एप्लीकेशंस आई हैं उनमें ही अप्लाई करना है। तो अब मैं यहाँ पे पास्ट 24 आवर्स में जाके यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ।
अब यहाँ पे हम एक कुछ और फिल्टर्स का यूज करने वाले हैं, जैसे कि अब यहाँ पे एक और जो मिस्टेक्स बिजनेस करते हैं उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर और फिल्टर्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊँगा पे आप देख सकते हो जॉब फंक्शन। तो अब हम कौन से रोल के लिए अप्लाई करने वाले हैं इंटर्नशिप के लिए, वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे एज अ बिजनेस डेवलपमेंट के रोल के लिए अप्लाई करना है इंटर्नशिप के लिए, तो मैं जॉब फंक्शन में जाके इसे चूज कर लूँगा। लेकिन क्या आपको नहीं करना है, इसकी जगह आप ये जो नीचे आप टाइटल सेक्शन देख रहे हो, यहाँ पे आके आपको अपना जो भी रोल है वो लिखना है। इससे आपको और भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे आपको अगर वो ऑप्शन मिलता है तो वेल एंड गुड, या फिर अगर नहीं मिलता है तो आप उसको टाइप करके भी डाल सकते हो। सो दिस इज स्टेप थर्ड। अभी हम चलते हैं स्टेप फोर की तरफ। सो द स्टेप फोर इज, आप यहाँ पे देख सकते हो आपको एक टॉगल बटन दिख रहा होगा अंडर 10 एप्लीकेंट्स। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर आप इसको इनेबल करते हो तो आपको वही एप्लीकेशंस शो होंगी जिनमें 10 से कम एप्लीकेशंस सबमिट की गई हैं, मतलब वहाँ पे 10 से भी कम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। जब आप पास्ट 24 आवर्स पे कैटेगरी को चूज करते हो तो उसके बाद आपको ये टॉगल बटन इनेबल कर देना है। इससे क्या होगा कि इससे वही एप्लीकेशंस आपको दिखाई देंगी जिनमें जो कि लास्ट 24 आवर्स में आई हैं और उनमें 10 से भी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। तो आप सोच सकते हो कि आपके चांसेस कितने ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे आपके सिलेक्शन होने के। तो यहाँ पे मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पर 632 एप्लीकेशंस हैं अप्लाई करने के लिए। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमको क्या करना है, आपको यहाँ पे पहले चूज कर लेना है कि आप कौन सी कंपनी के अंदर आप कौन सी एप्लीकेशन को अप्लाई करने वाले हो। एंड आपको एक बात और याद रखनी है कि आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं करना है, आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करना है, सो डेट कि आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएं किसी भी एक इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट होने के। तो आप यहाँ पे मल्टीपल इंटर्नशिप्स में अप्लाई कर सकते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब जैसे यहाँ पे मार्केटिंग इंटर्न के लिए इंटर्नशिप है, तो मैं अगर यहाँ पे इजी अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है। इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे अपना रेज्यूमे डाल सकते हो और वो डायरेक्ट ही उस रिक्रूटर को सेंड हो जाएगा। तो इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और आप डायरेक्ट ही अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप से आप इंटर्नशिप के लिए लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आपने जिस भी कंपनी के लिए जिस भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है आप उसके रिक्रूटर को भी रीच आउट कर सकते हो। आप उसको लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेज के आप उसे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो और साथ में आप उसे मेल भी कर सकते हो। आपको जो उसकी मेल आईडी वो भी आपको इजीली मिल जाएगी, तो आप उसे मेल भी डाल सकते हो साथ में और सेम जो मैसेज मैंने बताया आपको वो सेम मैसेज आप अच्छे से लिख करके उसे भेज सकते हो। तो उससे क्या होगा कि अब आपने तीन चीज़ें एक साथ की, आपने इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई किया और आपने उसे लिंक्डइन पे भी रीच आउट किया और साथ में आपने उसे मेल भी किया। तो इससे क्या होगा कि उसका ध्यान आप पर डेफिनेटली जाएगा और वो आपको कंसीडर डेफिनेटली करेगा ही करेगा। तो इससे आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे जिस भी इंटर्नशिप में आपने अप्लाई किया है उसमें सेलेक्ट होने के। और लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे सेटअप होती है उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बिकॉज लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आपकी अच्छी होगी तो उससे भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है सेलेक्ट होने के लिए। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आल्सो फॉलो अस ऑन लिंक्डइन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।